हे गाइस, इस दिस पारस राष्ट्र। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका विषय है, तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर ज़रूर आएगा। एक बार एक औरत खाना बनाती है और कुछ चपातियाँ एक्स्ट्रा बनाकर खिड़की पर रख देती है। एक बाबा उसकी खिड़की पर डेली आते हैं और चपातियाँ ले जाते हैं और एक शब्द कहते हैं। जितनी बार भी वो चपातियाँ उठाते हैं वो शब्द ज़रूर कहते हैं। वो कहते हैं कि तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, तेरा अच्छा लौट कर तेरे पास ज़रूर आएगा। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन वो औरत तंग आ जाती है। वो सोचती है कि बाबा, मैं डेली इस बाबा के लिए चपाती बना कर रखती हूँ, कभी अप्रिशिएट तो करते हैं नहीं है। तो उस दिन वो क्या करती है, जहर मिली हुई रोटी खिड़की पर रख देती है। उसके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। तो उस रोटी को उठाती है, डस्टबिन में फेंक देती है। फिर अच्छे से एक रोटी बनाती है, उसे खिड़की पर रख देती है। वो बाबा फिर आते हैं, वो रोटी उठाते हैं और फिर वही शब्द कहकर चले जाते हैं, तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर ज़रूर आएगा। उस औरत का एक बेटा भी था जो दूसरे देश में रहता था। कुछ समय बाद उस औरत के दरवाजे की बेल बजती है और वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके दरवाजे पर उसका बेटा खड़ा है। उसका बेटा उसे बताता है कि जिस देश में वो रह रहा था वहाँ युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। वो जान बचाकर भागा। वह जब घर आ रहा था तो उसे बहुत भूख लगी थी, तो उसे एक बाबा मिले और उस बाबा ने उन्हें रोटी दी और कहा कि तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर ज़रूर आएगा। तो इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम करते रहें, चाहे आपको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे। लाइफ में कभी भी अच्छे काम करने बंद ना करें, लाइफ में हमेशा अच्छे काम करते रहें, क्योंकि तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर ज़रूर आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।